भारतीय टीम में लगभग 10 स्टेट के खिलाड़ी हैं, दिल्ली से हैं, यूपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, कर्नाटक से हैं, झारखंड से हैं। इस प्रकार हम लोग जो भारतीय टीम बनाते हैं तो उसमें कम से कम ये ध्यान रखते हैं कि 8 स्टेट शामिल रहें जिससे कि वो भारतीय टीम कहला सके। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ी महाराष्ट्र के हैं और गुजरात के हैं। देखिए, इससे पहले जो हमारी एसोसिएशन है डिसेबल स्पोर्टिंग सोसाइटी, आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा, 2007 से ये रनिंग कर रही है और 2007 में ही हम लोगों ने पहली बार भारतीय टीम का निर्माण किया था। और भारतीय टीम का निर्माण किया तो फिर ये भी समस्या थी कि भारतीय टीम खेले ही किसके साथ, तो इस चैलेंज को भी स्वीकार करते हुए विदेशों में भी हमने अपने जो सोर्स थे उनके तहत कोशिशें करी और हम लोगों ने उनकी टीमें बनाई और आज हमारे पास 6 देशों की टीमें हैं और हम लोग लगातार आपस में क्रिकेट खेल रहे हैं। हम लोग एक बार एशिया कप भी खेल चुके हैं और खुशी की बात है कि भारतीय टीम एशिया कप में चैंपियंस भी है। जो ये व्हीलचेयर क्रिकेट है, ये व्हीलचेयर क्रिकेट की 8वीं क्रिकेट श्रृंखला है। अरुण रशीद है और मैं इस क्रिकेट का एक प्रकार से कहा जाए जन्मदाता के रूप में, बच्चे मेरे को बोलते हैं लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं एक सेवक हूँ इस क्रिकेट का। और जो हमारी एसोसिएशन है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एसोसिएशन है, जो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर व्हीलचेयर क्रिकेट, उसका मैं वाइस चेयरमैन हूँ। जी, यही कहना चाहूँगा कि हमारी भारतीय टीम पूरे जोश के साथ है और हम लोगों ने पिछले कई महीनों से निरंतर बड़ा अच्छा जो है अपना बैकअप रेडी किया है। पहले हमारे पास केवल 20-22 खिलाड़ी थे, आज हमारे पास 160 खिलाड़ी हैं और 160 खिलाड़ियों में से हम लोगों ने बहुत अच्छे खिलाड़ी चुन के आज एक बांग्लादेश को जोरदार चुनौती देंगे और इंशाल्लाह जीत भारत। तुम्हाला बघितलं आहे या ह्या टीममध्ये सर्व नवीन चेहरे आहे आणि नवीन तरुण या टीममध्ये, आणि ही यंग टीम इंडिया आहे जी चांगला प्रदर्शन करून मी विश्वास देतो की ही मॅच पूर्णतः आम्ही जिंकणार आहे। जसे 8 जे सिरीज झाले त्याच्यामध्ये ज्याच्यानंतर ज्यांचे नॅशनल टूर्नामेंट झाले त्याच्यामध्ये जे नवीन खेळाडू आले, जे आमचे जुने खेळाडू, त्यांनी चांगले तर प्रदर्शन करून त्यांनी भारतीय संघामध्ये त्यांनी आपलं स्थान प्राप्त केलं आणि आज तुम्हाला इथे त्यांचा एक चांगला खेळ पण दाखवेल आणि एक चांगला व्हीलचेअर क्रिकेटचा सर्व लोकांना एक चांगला मॅसेज पण आम्ही देऊ, जेणेकरून आम्हाला व्हीलचेअर क्रिकेटला ते सपोर्ट करतील किंवा आमचं व्हीलचेअर क्रिकेट जो मोठ्या लेवलवर स्थापित होईल। व्हीलचेअर क्रिकेट टीम से सुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ हारून सर के साथ और कई इंटरनेशनल मैच भी खेले हैं इंडिया टीम से और इस बार जो है हम लोग बहुत तैयारी से आए हैं और बांग्लादेश से हम लोग ये सीरीज जीतेंगे। एक्चुअली ये तो कोई सहयोग ही नहीं हुआ, एक्चुअली इनको तो जिस तरह से हमारी बातें हो रही है तो इनको तो बहुत बड़ा सहयोग चाहिए और बूस्ट तो बहुत ही चाहिए। तो ये तो कपड़े तो बिकॉज वी आर इन द फैक्ट्री बिजनेस और स्पोर्ट्स वेयर बना रहे, तो एक हमारी तरफ से एक टोकन ही है जो हम छोटा सा प्यार दे सकते हैं इनको। और मैं चाहता हूँ कि आज इंडिया विन हो और पूरी टीम को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आपका नाम बताइए। मेरा नाम विजय जी। ये तो सही बात है कि जनरल टीम से ये टीम बहुत अलग टीम है और इनके साथ मेहनत भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन हाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इनके अंदर जो जज्बा है, जो हिम्मत है, जो खेलने की भावना है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरी है और उसी का परिणाम है कि आज ये आप इस मैदान पर देख पाएंगे कि कितना बेहतर खेलते हैं। क्या रिजल्ट आएगा सामने 3 दिन के मैच में? रिजल्ट बहुत हार्ड प्रैक्टिस हुई है हमारी और बहुत कड़ा मेहनत सभी खिलाड़ी मिलके किए हैं, तो इंशाल्लाह बिल्कुल हम जीतेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं इंडियाते आसते खूब भाल लगते और प्रस्तुति खूब ही भलो, आशा करते प्लेयारा जो से तरह बेस्टा दीते पारे भलो एक रेजल्ट आशा करते। हमें इंडिया में आके बहुत अच्छा लगा और हमारा पूरा स्ट्रेंथ एक साथ काम कर रहा है और उम्मीद है कि हम अच्छा कर पाएंगे। ওখান থেকে যখন আইতাছিলেন বাংলাদেশে কেমন प्रिपरेशन মানে করেছিলেন মানে কি প্র্যাকটিস করেছিলেন বা কেমন? তো আমরা বাংলাদেশে টুর্নামেন্টের আগে হচ্ছে আমরা 2 দিনের প্র্যাকটিস করার সুযোগ করি আর বাট আমাদের প্লেয়ার হচ্ছে ম্যাক্সিমাম গুলো হচ্ছে বিভিন্ন ডিভিশন থেকে तो उधर के नियाश हो ढाका थे हमारा 2 दिनों। ये एक बहुत अद्भुत टूर्नामेंट है और गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब एक स्पोर्ट्स क्लब है जो हमेशा स्पोर्ट्स को एनकरेज करती है। लास्ट ईयर भी हमने सेम सिमिलर फॉर्मेट में किया था डे नाइट मैच, जब पहली बार मेंबर्स लोग ने देखा और बोला भाई ये तो बहुत अद्भुत है, अलग है, कभी देखा नहीं था एक स्पोर्ट्स क्लब में ऐसी टूर्नामेंट। एंड दिस टाइम जब हमारे पास ये आए तो हमने बोला हम डे में, वो डे के लिए आए तो हमने बोला डे नहीं हम डे नाइट देंगे आपको,
तो बोला पहली बार होगा ऐसा जब ये व्हीलचेयर टूर्नामेंट कोई नाइट में हो रहा है अंडर फ्लड लाइट. सो आई सेड डेफिनेटली इफ़ वी कैन गिव समथिंग, अगर क्लब दे सकता है तो हमेशा देगा ऐसी चीज़ को प्रोत्साहन करने के लिए. हमारे यहाँ जैसे ये क्लब गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में वी हैव मोर देन 10,000 मेंबर्स और फैमिली मेंबर 33,000 है. तो हमने एक नया भी अभी किया था जो अंडर 12 के लिए पहली बार बच्चे जो अंडर 12 है उनकी टूर्नामेंट और डे नाइट टूर्नामेंट. तो मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी वजह वो हैंडीकैप्ड हो, व्हीलचेयर हो, या वी डू स्पोर्ट्स डे फॉर मेंटली चैलेंज चिल्ड्रंस. तो आइडिया इज टू प्रमोट स्पोर्ट्स. तो फ्रॉम दैट इंटेंशन द मैनेजमेंट डज ऑल द एक्टिविटी. दिमाग की तरफ से हमें इस टूर्नामेंट में बहुत सारी सहकार्य मिला है, जैसे कि खिलाड़ियों को आने जाने के लिए जो बस प्रोवाइड की गई है वो उन्होंने प्रोवाइड की है, और जो आप देख रहे हो ग्राउंड पे जो भी बैनर लगे हैं वो उनके तरफ से हमें प्रोवाइड किए गए, और जो कि खिलाड़ियों के लिए सुबह जो नाश्ते की जो सुविधा की गई है, और भी कुछ सहकार्य हमको इस बार राधे माँ की तरफ से हमें प्राप्त हुआ है, और हम चाहते हैं कि यही कृपा हमारी आगे भी हो, हमारी टीम के ऊपर रखे, जिससे हमें कोई भी आयोजन के अंदर कोई कठिनाई नहीं आए. जी, और मेन गेस्ट में डल्ली बाबा आने वाले हैं, उनके बारे में आज जी जैसे